एक बार एक चिड़िया ठंडे इलाके से उड़ रही थी, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उसके पंख ही जम गए और वो जमीन पर आकर गिर गई। वो उड़ने की कोशिश करती रही लेकिन उड़ नहीं पाई, वो फंस गई। अब अचानक से वहां पर एक गाय आती है और उस पर एक गोबर कर देती है, और गोबर की गर्माहट की वजह से उसके पंख फिर से खुल जाते हैं। और जब उसे पता लगता है कि वो अब उड़ सकती है तो वो चहचहाने लगती है। लेकिन पास से जब एक बिल्ली गुजरती है और जब वो चिड़िया की आवाज सुनती है तो वो गोबर को खोद कर चिड़िया को निकालती है और उसे खा जाती है। अब ध्यान से समझिएगा बाबू, यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जरूरी नहीं है जो आप पर गंदगी फेंके वो आपका बुरा कर रहा है, ये भी जरूरी नहीं है कि जो आपको गंदगी से बाहर निकाले वो आपका भला चाहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप गंदगी में हो तब अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। आपको एक कहानी सुनकर कैसा लगा? गाइज, अगर आप भी काम के बोझ की वजह से अपनी हेल्थ और वर्क लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, नहीं तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि आज हम आपको एक सिंपल लाइफ हैक देते हैं जिससे आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। अच्छा। जिसका नाम है रूल ऑफ थ्री, जिसमें सबसे पहले आपको दिन में 3 बार हेल्दी खाना खाना है और वो समय से खाना है। दूसरा, 1 वीक में मिनिमम 3 बार आपको वर्कआउट जरूर करना है, फिर चाहे वो घर पे करें या फिर जिम जाके। तीसरा, सोते समय अगले दिन के सबसे 3 इंपॉर्टेंट काम को आपको डायरी में लिखना है ताकि आप उसे समय से कर पाओ। और चौथा, सोने से 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। और अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ से भी टेंशन गायब हो जाएगी। अगर विराट कोहली के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स देखकर आप ये सोचते हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं तो आप गलत हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे अमीर क्रिकेटरों के बारे में बताते हैं। पैसा ही पैसा हो गया। जिसमें 5वें नंबर पर है वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा, जिनकी नेटवर्थ है 4 अरब 90 करोड़ रुपए। चौथे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और दिल्ली कैपिटल के कोच रिकी पोंटिंग, जिनके पास 5 अरब 72 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तीसरे नंबर पर आते हैं चीकू भैया यानी कि विराट कोहली, जिनके पास है 7 अरब 52 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति, और वो अपनी एक प्रमोशन पोस्ट के लिए 8 से 9 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इस साल उन्हें आरसीबी ने 15 करोड़ रुपए में खरीदा था। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे माही भाई यानी कि एमएस धोनी, जिनकी टोटल नेटवर्थ है 9 अरब 7 करोड़ रुपए। साथ ही उनके पास 7 करोड़ का एक आलीशान फार्म हाउस भी है। इस साल आईपीएल में सीएसके ने उन्हें 12 करोड़ रुपए में खरीदा था। और अब पहले नंबर पर क्रिकेट के भगवान और मुंबई इंडियंस के कोच सचिन तेंदुलकर, जिनकी कुल संपत्ति है 13 अरब 90 करोड़ रुपए। गाइस, आपका इन सभी 5 खिलाड़ियों में फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।